सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी M51 के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी M51 में सैमसंग कौन सा SoC इस्तेमाल करेगा इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर पता चल रहा है, और बताया जा रहा है कि बहुत जो बड़े बड़े ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं उनका कहना है कि जो सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन आएगा इसमें आप लोगों को क्वालकॉम का चिपसेट देखने को मिलेगा। तो अब जो रिपोर्ट निकल के सामने आया है उसके हिसाब से आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी M51 में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730 वाला चिपसेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। 730 आप लोगों को याद होगा कि सैमसंग ने इस्तेमाल किया था सैमसंग गैलेक्सी S71 में। तो ये 730 जो चिपसेट है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है, मिड रेंज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर चिपसेट आप लोगों को मिलने वाला है। लेकिन आप लोग एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सैमसंग अगर M51 में आपको 730 चिपसेट देगा लेकिन कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर करना पड़ सकता है। पहला जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा वो होगा डिज़ाइन में। नो डाउट अगर आप लोग सैमसंग के A सीरीज और सैमसंग के M सीरीज़ के डिज़ाइन को कंपेयर करेंगे तो सैमसंग का A सीरीज़ का डिज़ाइन आप लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि सैमसंग अपने A सीरीज़ का जो डिज़ाइन है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाता है। जबकि आपको सैमसंग के M सीरीज़ में सिर्फ प्लेन कलर का यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिलता है, जो कि देखने में उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। साथ में यहाँ पर आपको सैमसंग के M सीरीज में ना तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी M31, M21 में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिला लेकिन आपको M51 में सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को पंच होल डिस्प्ले मिलेगा लेकिन यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलेगा। बैक साइड में आप लोगों को फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिलने वाला है, और जो पहले रिपोर्ट निकल के सामने आया था उसके हिसाब से आपको सैमसंग के M51 में ट्रिपल कैमरा का ही सेटअप देखने को मिलेगा, जबकि आपको बाकी सारे स्मार्टफोन में क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है। तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि सैमसंग क्वाड कैमरा तो देगा ही आपको, ये तो कोई ये क्वेश्चन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, 730 चिपसेट जो दे रहा है वो मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो आप लोग एक उम्मीद लगा सकते कि इस फ़ोन की जो प्राइसिंग है ये लगभग 20,000 के आसपास सैमसंग इसे लॉन्च कर सकता है। तो 20,000 के प्राइस कैटेगरी को देखते हुए लोगों को डेफिनेटली सैमसंग का ये स्मार्टफोन पसंद आएगा। लेकिन अगर आप लोग इसे सैमसंग के A सीरीज़ के साथ कंपेयर करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी सारे मिसिंग फीचर्स देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर आपको कुछ मिसिंग फीचर्स देखने को नहीं मिल सकता। पहले बात करते हैं कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलेगा, साथ में सैमसंग के A सीरीज़ की तरह यहाँ पर आप लोगों को नॉक सिक्योरिटी नहीं मिलेगा, जो कि सैमसंग के A सीरीज़ की एक मेन सेलिंग पॉइंट भी रहता है। ना तो आपको सैमसंग पे का सपोर्ट मिलेगा और ना आप लोगों को NFC का भी सपोर्ट सैमसंग के M51 में देखने को मिलेगा। मतलब अगर सैमसंग कुछ चीज़ आप लोगों को दे रहा है तो सैमसंग आपसे कुछ चीज़ें छीन भी रहा है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर सैमसंग आपको 730 अगर मिड रेंज में दे रहा है तो वो आपको कुछ ऐसे फीचर्स नहीं देगा जो आपको सैमसंग के A सीरीज में मिलता है। तो सैमसंग गैलेक्सी M51 के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स निकल के सामने आता ही है हर डेली। आप देखते हैं कि ये स्मार्टफोन कैसा होता है, मैं बहुत जल्द इसका फुल स्पेस लेकर सामने आऊँगा, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं सैमसंग के M51 के बारे में, आप लोग ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।